तो अभी की BS6 जितने भी बाइक्स आ रही है, सभी बाइक्स में आपने देखे होंगे कि गाड़ी जब स्टार्ट करके कहीं हम जाते हैं और इंजन जब गर्म रहता है और जब गाड़ी बंद करके हम खड़ी करते हैं गाड़ी को, तो साइलेंसर से पट पट जैसे आवाज़ आता है, इंजन साइलेंसर के वहाँ से पट पट जैसे आवाज़ आती है, कुछ फटने जैसी लावा जैसी आवाज़ करती है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये आवाज़ क्या चीज़ की होती है और इससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला इस वीडियो में। तो हमारे पास भी ये है FI मॉडल बाइक BS6 स्प्लेंडर प्लस, और ये बाइक अभी का 40-50 किलोमीटर चल के आई हुई है, और अभी मैंने गाड़ी जब खड़ी किया तो साइलेंसर से आवाज़ आ रही है पट पट जैसा। तो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इससे क्या नुकसान होने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि यहाँ से पट 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 ऐसे जैसे इस तरीके से आवाज़ आ रही है साइलेंसर से, आप बिल्कुल ध्यान से सुन पा रहे हैं। जब आप गाड़ी को खड़ी करेंगे शुरू में, जब इंजन गर्म रहेगी और उस टाइम में आप गाड़ी को खड़ी करते हैं तो जल्दी जल्दी ये आवाज़ करती है, और जब फिर जैसे ही गाड़ी खड़ी होने के बाद धीरे धीरे ठंडा होता है तो ये कुछ लेट से ये आवाज़ होती है, और इसी तरीके से धीरे धीरे ये बंद हो जाती है। तो गाइस, आप बिल्कुल सुन पा रहे हैं कि इसके साइलेंसर से आवाज़ आ रही है। हम गाड़ी के करीब में बैठे हैं या फिर गाड़ी से कम अगर 20 या 30 फीट के दूरी पर भी अगर खड़ा रहते हैं तो ये इसकी आवाज़ वहाँ तक चली जाती है, इतनी ज़्यादा इसकी आवाज़ होती है। तो ये जो आवाज़ होती है दोस्तों, यहाँ पे कैटलिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है BS6 बाइक में, तो वही आवाज़ कर रही है। अब कैटलिटिक कन्वर्टर क्या है? तो इसके अंदर से जो गैसेस निकलती है, जो एग्जॉस्ट निकलती है साइलेंसर के जरिए से, तो इसके मदद से कुछ पॉल्यूशन भी बाहर होता है, कुछ पॉल्यूशन फैलता है इस साइलेंसर के जरिए से, इंजन के जरिए से। तो यहाँ पे कैटलिटिक कन्वर्टर लगाया गया है। कन्वर्टर कुछ इस तरीके से काम करता है, जब हवा पास होगी सीधा तरीके से, मान के चलो पहले की जो बाइक आती थी टू स्ट्रोक बाइक, तो उसका जो एयर होता था वो डायरेक्ट एयर निकलता था साइलेंसर की मदद से, और वहाँ पर पीछे जालियाँ लगी हुई होती थी। हालाँकि जालियाँ इसमें भी है, पीछे भी है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर कन्वर्टर लगाया गया, जो हम कैटलिटिक कन्वर्टर बोलते हैं। और बुलेट बाइक भी होती है जो पहले की बाइक थी, या फिर राजदूत जितना भी है पहले की बाइक, वो उसका जो हवा है वो डायरेक्ट निकलता था जो बड़ी साइलेंसर होती थी। लेकिन मोटरसाइकिल में क्या होता है कि बाइक में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा जालियाँ लगी हुई होती है, कि जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो कुछ आवाज़ इंजन की बहुत ज़्यादा जो आवाज़ होती है, हम साइलेंसर को जब खोल देते हैं बहुत ज़्यादा वो आवाज़ करने लगती है। तो यही साइलेंसर आवाज़ को कंट्रोल करता है, आवाज़ को रिमूव करता है। तो अब यहाँ पे कैटलिटिक कन्वर्टर जो लगाया गया है वो आवाज़ को रिमूव करने के लिए नहीं, इसकी जो हवा है, इसकी जो गैसेस है, जो धुआं निकलता है, उस धुआं को मरोड़ने का काम करता है, धुआं को घुमा फिरा के बाहर निकालने का काम करता है। यानी कि इसके तरफ से जो कुछ ऑयल की मात्रा होती है धुआं में, जो पॉल्यूशन होगी उसको ये कंट्रोल करने में मदद करता है, ये उसको ख़त्म करने में, रिमूव करने में ये मदद करता है कैटलिटिक कन्वर्टर। इसमें कुछ अजीब तरीके की जालियाँ लगी हुई है, वो जालियाँ जब गर्म होती हैं, जब गाड़ी इंजन गर्म होगा उसके साथ में साइलेंसर गर्म होता है, तो जो जालियाँ क्या होता है बहुत ज़्यादा गर्म होकर लाल हो जाती हैं, और वही लाल होने के बाद जब हम रुकते हैं तो वो आवाज़ करने लगती है, वही पट पट वो जालियाँ जो है वो आवाज़ करने लगती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कोई हरज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या इससे नहीं आने वाली है। ये जो हो रही है ये सभी के बाइक से में होती है, सभी गाड़ियों में होती हैं, और हमारे ख्याल से ये जो अभी आ रही है ये आवाज़, जब आप गाड़ी कुछ किलोमीटर चलाएँगे, 25-30 हज़ार किलोमीटर चलाएँगे, इसके अंदर कुछ धुआँ बनेगी, कुछ मैल जमेगी उसके ऊपर जालियाँ में, तो ये आवाज़ कंट्रोल हो जाएगी। ये मुझे उम्मीद है, मुझे पता है कि आवाज़ कंट्रोल हो जाएगी। अभी ये न्यू है, इसी वजह से ये ज़्यादा आवाज़ कर रही है। जब हम शुरू में रुकते हैं तो उस टाइम ज़्यादा आवाज़ करता है, और फिर जब धीरे धीरे ये ठंडा होने जाता है तो ये फिर आवाज़ लेट से आती है, इसकी आवाज़ कुछ लेट से आने लगती है, और ये धीरे धीरे ठंडा होकर वो बंद हो जाती है। तो मैंने आपको कहा दोस्तों कि ये जो आवाज़ है ये अभी ख़त्म नहीं होगी, जब गाड़ियाँ आपकी धुआं मारना शुरू करेगी या फिर पेट्रोल ज़्यादा खाने लगेगी, उसके ज़रिए से पेट्रोल की मात्रा ज़्यादा आएगी, धुआं बनेगी साइलेंसर से, तभी ये इसकी जो जालियाँ हैं वो कुछ उसमें डस्ट जमा होगा कुछ, उसके बाद वो क्या करेगा,
वो फिर आवाज़ होना बंद हो जाएगी, ये मुझे बिल्कुल उम्मीद है। बाकी आप भी अपना माइंड लगाएं कि ये मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ, ये न्यू है इसलिए ये आवाज़ कर रही है, और बाद में ये आवाज़ सही हो जाएगी जब गाड़ी आपकी धुआं मारेगी। तो अब ऐसा नहीं कि हम अखामखा यहाँ पे ऑयल डाल देंगे या फिर टंकी में ऑयल डाल देंगे, धुआं निकालवा देंगे तो ये एक बार में हो जाएगी, ये एक बार में नहीं होती है, ये 30,000 के बाद ही ये चीज़ें आपकी गाड़ी में हो सकती है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आई होप किस वीडियो से किसी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।